नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 5-7 मिनट में बनने वाले आलू फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप एक बार बना के जरूर देखिएगा। रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते। तो आलू फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को पील करने के बाद ऐसे पतले स्लाइस में काट लिया है। देखिए, आलू आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, और जो बाकी मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूँगी। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2-3 चम्मच तेल, और तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 1/2 चम्मच कलौंजी, 2 सूखी लाल मिर्च, और डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग। जीरा जैसी फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए आलू। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम आलू को फ्राई करेंगे। तो पहले हम 2 मिनट बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पे नमक और हल्दी। कलौंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आते हैं ये आलू फ्राई में। तो बस 2 मिनट पहले हम फ्राई करेंगे। डाल देंगे हम यहाँ पे 4 हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी। मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने के बाद मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे करेंगे और ढक देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। नमक अभी नहीं डालेंगे हम, 2-3 मिनट बाद डालेंगे। तो 3 मिनट के लिए हम ढक के आलू को फ्राई करेंगे, लेकिन बीच में खोल के आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। 3 मिनट बाद मैंने बीच में खोल के 2 बार चेक भी कर लिया था। आलू हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पे नमक स्वादानुसार। नमक डालने के बाद 2 मिनट मीडियम फ्लेम में और फ्राई कर लेंगे। आप दाल चावल के साथ साइड डिश हिसाब से भी इसे खा सकते हो। बस एक बार आप बना के जरूर देखिएगा। और देखिए, आलू हमारा सॉफ्ट हो गया है। 2 मिनट और हम हल्का कलर चेंज कर लेंगे। आलू फ्राई हमारा बनके तैयार है। 2 मिनट खोल के और फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हो आलू का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और आलू को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी आलू भाजा या आलू फ्राई। हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी आलू फ्राई। तो इस तरीके से बनाइए, रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में बोलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।